गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी टीचर आपका हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। होप कि आप सभी सेफ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और आपने अपने समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो एक बार मैं आपका हिंदी की क्लास में वेलकम करती हूँ, साथ ही साथ बहुत सारी विशेस भी आपको देती हूँ और आपके फ्यूचर के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी कामनाएं करती हूँ। तो बच्चों, मैं आपके लिए एक कविता लेकर आई हूँ। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने रंगा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो हम इस कविता के साथ ही आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रस। बच्चों, रस आपके हिंदी व्याकरण में है और ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रस क्या है। आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, जिसको सुनने से हमें आनंद की प्राप्ति हो वह रस कहलाता है। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। बच्चों, काव्य में रसों का उपयोग किया जाता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, क्योंकि काव्य रस के बिना अधूरे हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने में आनंद नहीं होगा तो फिर काव्य का कोई भी मीन नहीं है। तो इसलिए हम रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार हमें कोई भी चीज पढ़ने या सुनने में मजा आता है तभी तो हम सुनते हैं ना, वैसे ही काव्य में रस का भी अपना एक स्थान है। अब बच्चों, हम पढ़ेंगे कि रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। इनके अनुसार रस सिर्फ 8 होते हैं। उसके बाद सूरदास के अनुसार रस होते हैं 11।